तो जी फिलहाल आप मेरे सामने देख सकते हो मेट्रो वॉक और एडवेंचर आइलैंड, और आपको वहाँ पे दिखता होगा एक बोर्ड एडवेंचर आइलैंड का। तो आपको बता दें कि ये एरोप्लेन रियल का था, किसी कारण खराब हो जाने के कारण इसे फ्लाई नहीं किया गया था। तो बताया कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए हैं, तो आप यहाँ पे बुल डांस भी कर सकते हो और यहाँ पे बच्चों के लिए राइड भी दिया हुआ है। फिलहाल कुछ इस तरह का यहाँ से रनवे 1 रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है, कह सकते हो प्लेन रेस्टोरेंट। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर आसिफ रजा एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है मेट्रो वॉक दिल्ली। और गाइस आपको बता दें कि ये मेट्रो वॉक रोहिणी में पड़ता है, और आपको अगर नियर बाई में बता दें तो रोहिणी वेस्ट और त्रिठाला मेट्रो स्टेशन इससे नज़दीक है। अभी हम लोग मेट्रो वॉक पहुँच चुके हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ का पार्किंग कंपाउंड। तो जी आप देख सकते हो पार्किंग कंपाउंड कितना बड़ा है, और इस साइड में भी आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा, काफ़ी दूर में फैला हुआ ये पार्किंग कंपाउंड है। तो जी फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो वॉक, और इसके अंदर चल के देखेंगे कि विदाउट टिकट क्या क्या है। आपको बता देते हैं गाइस कि मेट्रो वॉक के अंदर में ही एडवेंचर आइलैंड है, और उसमें बहुत तरह की एक्टिविटीज़ है, तो ट्राई करेंगे वहाँ तक जाने का और आपको दिखाने का। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो जी फिलहाल आप मेरे सामने देख सकते हो मेट्रो वॉक और एडवेंचर आइलैंड। और गाइस आपको बता दें कि दिल्ली में हिस्टोरिकल प्लेसेस तो बहुत सारे हैं, और दिल्ली में इस तरह के भी घूमने के प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो जी सामने में आप देख पा रहे हो एडवेंचर आइलैंड और मेन गेट है, और उसी के जस्ट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों के लिए एक्टिविटी दी हुई है, जैसे आप ये देख लो, वहाँ पे देख लो, उसके बाद फिर वो है। तो चलते हैं फिलहाल अंदर और देखते हैं अंदर में क्या क्या है। तो गाइस आपको यहाँ का लोकेशन बता देते हैं, अगर यहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ से नियर बाई में मेट्रो स्टेशन जो है वो है रिठाला और एक है रोहिणी वेस्ट, तो आप वहाँ से पैदल भी आ सकते हो, मे बी 15 से 20 मिनट लगेंगे पैदल। तो जी देखिए साथ में कौन कौन आया है, इधर आरफा, इधर जोया, तो हम लोग मिलके आज घूमेंगे मेट्रो वॉक। तो जी वहाँ सिक्योरिटी चेक इन के बाद आपको आना है, और लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारी स्टॉल मिलेगी, यहाँ पे भी है, और आप देख पा रहे होगे वहाँ पे कपड़ा का स्टॉल लगाया गया है। और गाइज इसी कंपाउंड में आपको मिलेगा सामने में बर्गर किंग, बीके कैफ़े, और भी बहुत तरह का कैफ़े मिलेगा जो ब्रांड है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो फूड कोर्ट भी है, तो चलते हैं आगे और आपको दिखलाते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। तो जी फिलहाल आपको बता दें कि मेट्रो वॉक के लिए कोई भी टिकट नहीं है, लेकिन अगर मेट्रो वॉक आके आप अगर एडवेंचर आइलैंड जाते हैं तो उसके लिए आपको टिकट बाय करना पड़ेगा अलग से। तो जी भाई यहाँ पे 9D क्रिकेट एंड स्काई वॉक कर सकते हो, और आप देख सकते हो इस तरह का आपको कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेगा जो कि 9D काफ़ी, जब आप 3D में कोई पिक्चर देखते हो तो काफ़ी ख़तरनाक लगता है, तो ये 9D है, आप फील कर सकते हो कैसा लगेगा। लगभग आपको जो भी ब्रांड में कैफ़े या रेस्टोरेंट चलता है वो सारे कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इधर आप देख पा रहे हो स्टॉल बहुत ज़्यादा है। तो जी अगर मेट्रो वॉक का सबसे खूबसूरत चीज़ की बात करें तो वो ये झील है, आप देख पा रहे होगा काफ़ी मस्त दिखता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्टिविटी करने के लिए ये सारे कुछ दिया हुआ है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं और उधर नाव भी है, बहुत सारा चीज़ है गाइस। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं। और गाइज आपको बता दें कि इस झील से जस्ट राइट साइड में आप देखोगे तो टावर है, एफिल टावर, और उसी के जस्ट बगल में यहाँ का सबसे खूबसूरत चीज एरोप्लेन रेस्टोरेंट। तो गाइज आपको सामने में दिखता होगा रनवे 1 और ये एरोप्लेन रेस्टोरेंट है। तो जी गाइज आपको बता दें कि एडवेंचर आइलैंड जाने के लिए ये वाला रास्ता है, और आपको वहाँ पे दिखता होगा एक बोर्ड एडवेंचर आइलैंड का, और आपको बता दें कि वहाँ जाने के लिए 500 रुपये का टिकट है मंडे टू फ्राइडे, और बाकी वीकली 600 रुपये है। बता दें अगर आप यहाँ बच्चों को लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ एक्टिविटी करने की चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आपको पहले हमने दिखाया बुल डांस भी है और ये सब राइडिंग वगैरह भी है। अगर आप यहाँ पे बच्चे को लाते हैं तो
आपके बच्चे काफ़ी खुश हो सकते हैं और राइड कर सकते हैं खुश होकर। तो फिलहाल आप देख रख सकते हैं, और आपको बता दें कि अभी इवनिंग का टाइम है लेकिन उस तरह का क्राउड यहाँ पे नहीं हुआ है। तो जी, रनवे रेस्टोरेंट जाने के लिए यहाँ पे रास्ता दिया हुआ है, और उसके जस्ट बगल में आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा कंपाउंड है। आपको बता दें कि इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, ऊपर भी जा सकते हैं आप और इन्जॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इधर चलते हैं और आपको घुमाते हैं। आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए हैं, तो आप यहाँ पे बुल डांस भी कर सकते हो, और यहाँ पे बच्चों के लिए राइड भी दिया हुआ है। तो फिलहाल अभी आरफा जोया के लिए टिकट परचेज कर चुके हैं, और यहाँ पे टिकट काउंटर है, और एक ही टिकट है। हाँ, तो फिलहाल आरफा जोया को राइड कराते हैं। एक पे बैठो, किसी एक पे। हाँ बैठो। तो जोया ब्लू वाला चूज की है और आरफा ये वाला चूज की है, और आपको बता दें कि इसका जो चार्ज है वो 100 रुपीज़ है। एक्टिविटी का जो कंट्रोल है वो भैया लोग करेंगे यहाँ पे, और अच्छा से पैर फैलाओ। अगर मेट्रो वॉक के बारे में आपको बताएं तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मॉल भी मिल जाएगा, स्टॉल भी मिल जाएगा, जो उसके बाद फिर बच्चों के लिए एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आप झील भी देख सकते हो। उसके बाद अगर आपका दिल करे एडवेंचर आइलैंड जाने का तो वहाँ भी जा सकते हो। मतलब आप अगर मेट्रो वॉक आते हो तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो यहाँ पर आके। तो फिलहाल अभी अंदर से हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर। और अगर गाइज आपको बता दें कि आप यहाँ पे आते हैं ना तो काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं आप, और काफ़ी रेस्ट फील भी कर सकते हो। तो जी, जब ऊपर में आप आओगे तो कुछ इस तरह का व्यू आएगा आपको झील का, और यहाँ पास से देख पा रहे होगे सामने में जो टावर है, लाइक एफिल टावर, वो कितना अच्छा दिख रहा है। और सामने में एडवेंचर आइलैंड। अगर आप एडवेंचर आइलैंड जाते हो तो गाइज आपको बता दें कि उसमें बहुत सारा एक्टिविटी दिया हुआ है, झूला वगैरह बहुत कुछ अलग अलग टाइप से लगाया गया है। तो फिलहाल आप यहाँ से झील का मजा लीजिए। तो गाइज अभी नीचे से आपको प्लेन रेस्टोरेंट दिखाए थे, रनवे रेस्टोरेंट दिखाए थे, अभी ऊपर से उस चीज़ को दिखाने का कोशिश करते हैं जो कि देखने में काफ़ी लाजवाब व्यू आ रहा है। तो आपको बता दें कि ये एरोप्लेन रियल का था, किसी कारण ख़राब हो जाने के कारण इसे फ्लाई नहीं किया गया था, जिसे यहाँ ला के लगा दिया गया है। फिलहाल कुछ इस तरह का यहाँ से रनवे 1 रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है, कह सकते हो प्लेन रेस्टोरेंट। और आपको कुछ जूम करके दिखाते हैं, तो उस पर भी आप जाके रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हो। तो जी गाइज, आपको यहाँ पे आने का टाइम टेबल बता देते हैं कब आप आ सकते हो। और गाइज आपको बता दें कि इसका ओपनिंग होने का टाइम 10 बजे है, और शाम के 7 बजे एडवेंचर आइलैंड बंद हो जाता है। और आपको बता दें कि मेट्रो वॉक आप 7 बजे के बाद भी यहाँ पे घूम सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ को अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, जैसे कि डायनासोर पार्क, उसके बाद एडवेंचर आइलैंड, मेट्रो वॉक, जिस कारण ये बहुत बड़ा एक घूमने के लिए आप कह लीजिए कि बहुत ही अच्छा जगह है। तो जी, यहाँ से आपको एक झूला दिखता होगा एडवेंचर आइलैंड का, तो वैसे ही वैसी बहुत सारे एक्टिविटी है एडवेंचर आइलैंड में, आप जा सकते हो और इन्जॉय खूब सारा कर सकते हो। तो गाइस आपको बता दें कि यहाँ तक आप विदाउट टिकट आ सकते हो, यहाँ पे आने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहीं जाते हो डायनासोर पार्क या एडवेंचर आइलैंड, जिसका अलग चार्ज आपको फिर लगने लगेगा, तो आप यहाँ पे विदाउट टिकट आके इन्जॉय कर सकते हो काफ़ी देर तक। तो जी, फिलहाल अभी हम लोग इस पे बैठने वाले हैं और इसका एक्टिविटी करने वाले हैं। तो जी, साथ में देखिए कौन कौन है इधर, जोया, आरफा और हम साथ में बैठ के और अभी घूमने वाले हैं। मुझे आपको बता दें कि इसका चार्ज 100 रुपीज़ है, अगर आप 2 पर्सन हो तो उसके साथ 2 बच्चे इस पे बैठ सकते हैं।
तो जी गाइस यहाँ पे एक झरना दिया हुआ है जो कि फिलहाल अभी बंद है, हो सकता है नाइट में इसको स्टार्ट किया जाता होगा। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्लांटेशन किया हुआ है जो कि काफी खूबसूरत तरीके से। ये था मेट्रो वॉक का छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।